अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉलीवुड शोबिज में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, मशहूर अदाकार जिनके जवान बेटे इंतकाल कर गए उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जहां पर बात आ जाती है औलाद की, फिर चाहे वो अदाकार हो या फिर कोई एक आम इंसान, औलाद और वो भी जवान औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है। और जब कोई अपनी जवान औलाद अपने आंखों से मरता हुआ देखे या फिर उसका जनाजा उठाए तो उसकी जिंदगी आसानी से नहीं गुजर पाती। दोस्तों, वो मशहूर अदाकार कौन है जिन्होंने अपने जवान बेटे का जनाजा अपने हाथ से उठाया? वो है रशीद महमूद। रशीद महमूद पाकिस्तानी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा सीनियर अदाकार हैं और इन्होंने अपने एक्टिंग के जौहर बहुत अच्छे से दिखाए और मोस्टली ड्रामास में इन्हें एक दुखी बाप का रोल दिया जाता है जिसे ये बहुत बेखूबी से निभाते हैं। उन्होंने इसका राज ये बताया कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपने एक बेटे को खोया है जो बिल्कुल जवान थे, यानी 20 साल की उम्र में ही वो हार्ट अटैक से वफात पा गए। इस बात को उन्हें इतना सदमा है कि उसके बाद से उनकी जिंदगी आसान नहीं रही, वो हमेशा दुखी रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनके बेटे को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उन्हें सबर अता फरमाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में आप भी इनके लिए और इनके बेटे के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।